हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कालापन प्राकृतिक होता है, जिसका प्रमुख कारण होता है उसके आसपास की स्किन में खिंचाव होना। इसके अलावा सही से सफाई न रखने के कारण भी हो सकता है, जिसके वजह से कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वैसे तो बाजार में बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स उपलब्ध है, जिनके इस्तेमाल से आपको कुछ हद तक फायदा भी पहुँच सकता है, पर आपको इनका चुनाव सही से करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कई तरह के साइड इफेक्ट होने का खतरा भी रहता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताती हूँ, जिनके इस्तेमाल से आप नी का कालापन दूर कर सकते हैं। नींबू का रस या संतरे का रस भी इसमें बहुत फायदा दिलाता है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो स्किन के कालेपन को दूर करने में मदद करता है। आप चाहे तो इनके छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का या संतरे का रस लें। इसमें गाढ़ी क्रीम या दही और चीनी मिला लें। आसपास की स्किन को धोकर सुखा लें। फिर इस मिक्सचर को उस पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से रगड़े और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसके वजह से कालापन दूर हो जाता है और बदबू भी चली जाती है। पपीते से भी स्किन को बहुत फायदा मिलता है। ये विटामिन ए और सी का बहुत अच्छा सोर्स है। पपीते के छिलकों को पीसकर उसका पेस्ट बना ले, फिर उनको साफ करके उसे सुखा ले। इस पेस्ट को 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथ से पे रगड़े और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो ले। ये न केवल कालेपन को दूर करता है, बल्कि स्किन को भी स्मूथ बना देता है। इन उपायों के अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कालेपन को रोक सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल ना करें, इससे भी स्किन काली पड़ जाती है। सिंथेटिक पैंटीज के बजाय कॉटन पैंटीज का इस्तेमाल करें। सिंथेटिक पैंटीज से ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। टॉयलेट जाने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ जरूर करें और टाइट अंडरगार्मेंट्स के बजाय लूज अंडरगार्मेंट्स ही पहने। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, जिन्हें आप बड़े आसानी से अपना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।